दोस्तों, प्रीमियर पद्मिनी एक आइकॉनिक सेडान जिसने दशकों तक भारत की सड़कों पर अपना जलवा बनाए रखा, कभी काली पीली रंग की टैक्सी के तौर पर तो कभी किसी की पर्सनल कार बनकर। इटली की फिएट 1100D मॉडल पर बेस्ड प्रीमियर पद्मिनी उस जमाने में तो पॉपुलर थी ही, लेकिन आज फिर से इस कार का जलवा लौट आया है। हमारे आज के कुछ ऐसे युवा भाई हैं जो इस कार पर अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं और इसको बेहतरीन मॉडिफाई कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं 5 बेहतरीन मॉडिफिकेशंस जो कि प्रीमियर पद्मिनी पर किए गए हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है ब्लैक बीस्ट, जिसमें 15 इंच के एलॉय व्हील्स के साथ कार को स्पोर्टी लुक दिया गया है। कार के फ्रंट प्रोफाइल यहाँ देखें तो LED हेडलैम्प्स यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। एक्चुअली गाइज, ये फीएट 70s का मॉडल है जिसको स्पोर्टी लुक में मॉडिफाई किया गया है। इंटीरियर अगर आप यहाँ पर देखें तो 3-स्पोक स्पोर्टी टाइप स्टेयरिंग व्हील आपको देखने को मिलेगा। बाकी अपोल्स्ट्री यहाँ पर रेड थीम पर बनाई गई है, जो कि कार के आउटर कलर के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है। डैशबोर्ड में यहाँ पर रेट्रो लुक ही रखा गया है। बाकी कार के पीछे की तरफ ड्यूल एग्जॉस्ट सिस्टम और रिवर्स लाइट को भी यहाँ पर मॉडिफाई करके लगाया गया है। दोस्तों, ये कार को पुणे के रासन डिज़ाइन ने मॉडिफाई किया है, जिनका नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर है पद्मिनी, जिसको तमिलनाडु में मॉडिफाई किया गया है। यहाँ पर गाइस, आउटर लुक्स में ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, बस LED इंडिकेटर और थंडरबर्ड की हेडलाइट इंस्टॉल की गई है 15 इंच के एलॉय व्हील्स के साथ। लेकिन अगर हम कार के इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर पावर विंडोज़ भी लगाई गई है, जो कि आप देख सकते हैं कितने स्मूथली रन कर रही है। सेंट्रल लॉकिंग के साथ, जो कि आप देख सकते हैं कितना स्मूथली चल रहा है। यहाँ पर पावर सनरूफ भी गाड़ी में लगाया गया है, स्कोडा गाड़ी का, जो कि आप देख सकते हैं किस तरह स्मूथली रन कर रहा है। यहाँ डैशबोर्ड में एक्स्ट्रा डक्ट्स लगाई गई है फोर्ड फिगो कार की, जिसकी फिटिंग बहुत ही प्रॉपर हुई है। और यहाँ पर गाइस, ऑटो फोल्डेबल साइड मिरर्स भी इंस्टॉल किए गए हैं फिएट पुंटो के। एक्चुअली ये कार के ओनर को इस कार में फीचर्स सभी न्यू गाड़ी के चाहिए थे, और लुक्स वही पद्मिनी का, क्योंकि इस पद्मिनी को वे डेली यूज़ में लेते हैं। दोस्तों, ये गाड़ी तमिलनाडु में मॉडिफाई हुई है और इसके मॉडिफिकेशन में करीबन 8 महीने का समय लगा है। अब आते हैं दोस्तों नंबर 3 पर, जिस पर ये पद्मिनी जिसको पंजाब में मॉडिफाई किया गया है, जिसका आउटर लुक अगर आप देखें तो यहाँ स्टील क्रोम बम्पर्स हटा दिए गए हैं, LED हेडलाइट्स और नीचे की तरफ फॉग लाइट्स भी लगाई गई है। यहाँ पर 15 इंच के एलॉय व्हील्स भी लगाए गए हैं। दोस्तों, ये गाड़ी 1983 मॉडल पद्मिनी है और व्हील आर्च भी आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत बनाए हैं। फ्रंट डोर तक क्रोम स्ट्रिप्स और ऑटो फोल्डेबल साइड मिरर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। साइड मिरर्स यहाँ पर फिएट पुंटो के लिए गए हैं। कार के रियर लुक में देखें तो 2 एग्जॉस्ट लगाए गए हैं। बाकी गाइस, यहाँ इंटीरियर अगर आप देखें तो ऑरेंज कलर की अपोल्स्ट्री यहाँ पर की गई है। कार का डैशबोर्ड भी यहाँ ऑसम बनाया गया है विद स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील। और दोस्तों, यहाँ पर सेंटर में एक हैंडमेड कंसोल भी बनाया गया है, जिसमें एक स्क्रीन भी लगाई गई है और उसी के नीचे फुट रेस्ट की तरफ की लाइट्स के स्विच, फॉग लाइट्स के स्विच दे दिए गए हैं। दोस्तों, इस पद्मिनी को हैंड गियर शिफ्ट से हटाकर फ्लोर गियर शिफ्ट किया गया है। ओवरऑल इंटीरियर अगर आप देखें तो बहुत ही क्लासिक बनाया गया है। चलिए दोस्तों, आपको इस पद्मिनी का एग्जॉस्ट सुनाते हैं। तो गाइस, ये एग्जॉस्ट है। दोस्तों, इस पद्मिनी के मॉडिफिकेशन में 8 महीने का वक्त और तकरीबन 3 लाख का खर्चा आया है। दोस्तों, अब आते हैं नंबर 2 पर, जिस पर है ये मॉडिफाइड पद्मिनी। दोस्तों, ये पद्मिनी को केरला में मॉडिफाई किया गया है, जिसमें तकरीबन 1.5 साल का समय यहाँ पर लगा है। इस कार में गाइस, आउटर और इंटीरियर दोनों पर ही अच्छा मॉडिफिकेशन हुआ है। आउटर लुक्स की अगर बात करें तो यहाँ व्हील आर्चेस को बढ़ाया गया है और टायर्स को थोड़ा सा बाहर निकाला गया है, जिससे कि कार का लुक और भी आई कैचिंग हो गया है। फ्रंट में यहाँ पर ग्रिल पर क्रोम की स्ट्रिप्स लगाई गई है प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के साथ। बम्पर्स को यहाँ रिमूव करके डे टाइम रनिंग LED लाइट्स यहाँ पर यूज़ की गई है विद ऑटो फोल्डेबल साइड मिरर्स। फ्रंट इंडिकेटर्स को यहाँ ड्यूल शेडेड रेट्रो टाइप ही रखा गया है। और दोस्तों, यहाँ व्हील आर्च को एलोबरेट किया गया है फ्रंट और बैक साइड दोनों तरफ से। रियर लुक में यहाँ पर ड्यूल एग्जॉस्ट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इंटीरियर की यहाँ पर अगर बात करें तो इंटीरियर में डैशबोर्ड यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें सेंटर में इग्निशन स्विच दिया गया है, पावर स्टेयरिंग, फ्लोर गियर सिस्टम और सेंटर कंसोल विद 2 बकेट सीट्स कार को और भी ब्यूटीफुल और आरामदायक बनाती है। दोस्तों, ये पद्मिनी को स्कैंडिया कार केयर केरला में मॉडिफाई किया गया है। दोस्तों, ये पद्मिनी 1995 मॉडल डीजल वर्जन है, जिसको एक मस्कुलर टाइप लुक दे दिया गया।
दोस्तों अब आते हैं नंबर एक पर, जिस पर है ये पद्मिनी, जिसको पुरानी मिनी कूपर बना दिया गया। ये पद्मिनी 1960s की मिनी कूपर कार से इंस्पायर होकर मॉडिफाई की गई है, जिसमें 8 लाख रुपए का मॉडिफिकेशन कॉस्ट आया है और 1 साल का समय यहाँ पर लगा है। कोयम्बटूर के सन एंटरप्राइजेज ने इस पद्मिनी को मिनी कूपर बनाया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन मॉडिफिकेशन यहाँ पर किया गया है। कहीं से कहीं तक कोई नहीं बोल सकता कि ये पद्मिनी पर मॉडिफाई की गई होगी। दोस्तों ये कार की फ्रंट में ब्लैक ग्रिल दी गई है और अलग से LED DRL वाले प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं। तो वहीं ड्यूल टोन मशीन एलॉय व्हील्स ने इसमें जान डाल दी है। कार में पीछे की तरफ आफ्टर मार्केट LED टेल लैम्प्स लगाए गए हैं। हालांकि बाहर की तरफ कार को स्पोर्टी लुक देने के लिए किसी भी तरह के क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पीछे की तरफ एक छोटा हैच डोर दिया गया है। इसके अलावा कार को कुछ चौड़ा लुक देने के लिए व्हील आर्च दिए गए हैं, जो कि इसको पुरानी मिनी कूपर के लुक से जोड़ता है। दोस्तों यहाँ पर पद्मिनी की लेंथ को कम किया गया है, क्योंकि पद्मिनी की लंबाई मिनी कूपर से ज़्यादा है। पद्मिनी को यहाँ सेंटर से कट करके 2 डोर में कन्वर्ट किया गया है। इंटीरियर की यहाँ बात करें तो ब्लैक रेड थीम सीट कवर्स ने कैबिन को शानदार लुक दिया है। कैबिन में डैशबोर्ड पर नए डायल, नए स्पोर्टी स्टेयरिंग व्हील, डायमंड स्टिचिंग के साथ लेदर कवर से कैबिन का एक प्रीमियम लुक मिला है। वहीं डोर पैनल्स को ऑल ब्लैक थीम में अपडेट किया गया है। पीछे की विंडो को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया। तो गाइस कैसी लगी आपको मॉडिफाइड पद्मिनी? और दोस्तों पद्मिनी को हम और किस तरह से मॉडिफाइड कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। थैंक यू।